जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे एलसीएम एंड एचसीएल चैप्टर के बेस पर, इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट पे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। और पिछली वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियो देख लें, क्योंकि उस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट बताए थे जो बहुत ही जरूरी है एलसीएम एंड एचसीएल चैप्टर को सीखने के लिए। जिन स्टूडेंट्स के वो पॉइंट वीक होते हैं उन स्टूडेंट्स को हमेशा दिक्कत आती है एलसीएम एंड एचसीएल चैप्टर करने में। हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस वाली वीडियो के अंदर जो हमने पिछले कॉन्सेप्ट के बेस पर पढ़ लिए थे, ठीक है। The LCM of two numbers is 12 times of their HCF, मतलब कि LCM दे रखा है हमें दो numbers का 12 times of their HCF, ठीक है। Sum of the HCF and the LCM is क्या है 403, LCM प्लस HCF का सम हमें कितना दे रखा है 403 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। इफ वन ऑफ द नंबर इज 93, फर्स्ट नंबर, एक नंबर 93 है, पहला नंबर है 93, हमें क्वेश्चन ने पूछा है सेकंड नंबर क्या होगा, हमें ऑप्शन दे रखे हैं 124, 128, 134 और 138, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। मैं सारे के सारे क्वेश्चन वो ही कराऊंगा जो कंप्लीट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। देखो मैं इस वीडियो को मुझे बेशक दो पार्ट में कन्वर्ट करना पड़े, मगर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा बेसिक कंसेप्ट, सेकेंड पार्ट में बताऊंगा आपको उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आ चुका है तो वो स्टूडेंट शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं, हमें दे रखा है LCM of 12 times of their HCF, तो मतलब LCM हमें यहाँ पे दे रखा है, मैं यहाँ पे LCM का लगा देता हूँ फॉर्मूला, LCM मुझे क्या दे रखा है 12 times of their HCF, मैंने यहाँ पे लगा दिया LCM की जगह पे 12 times of their HCF plus HCF plus HCF is equal to 403 दे रखा है यहाँ पे। इस तरीके से 12 HCF plus 1 HCF हो गया 13 HCF is equal to 403, HCF is equal to 403 divided by 13 कितना आएगा 31, HCF कितना आ गया, HCF of two numbers is 31। अभी हमारी यहाँ पे HCF के वैल्यू के लिए 31, और इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देना हमारा LCM भी आ जाएगा, LCM is equal to 12 times of their HCF दे रखा था, HCF निकल गया हमारा 31, 12 31 जा होता है 372, ठीक है ना, 31 12 जा कर लो या फिर 12 31 जा होता है 372, ये बात छोटी सी आपको पता है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला भी गिवन होता है, LCM multiply HCF is equal to, क्या फॉर्मूला होता है वो, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, एलसीएम हमें दे रखा है हमने निकाल लिया यहाँ पे 372, मल्टीप्लाई एचसीएफ भी हमें निकाल लिया यहाँ पे है 31 इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था जो कि था 93, सेकेंड नंबर हमें निकालना है जो कि हमने एक्सेल डिनोट कर लिया, ठीक है। 31 वन जा 31 थ्री जा होता है 93, थ्री से इसको कट आउट कर लो 124 is equal to x, हमारा सेकेंड नंबर जो निकालना था वो आ गया 124, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा हो गया करेक्ट। ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट से जिसमें हमें लग जाएंगे दो मिनट क्वेश्चन को करने में अगर आप बहुत स्लोली स्लोली करोगे तो, मगर हमें इस क्वेश्चन को करना है सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 सेकंड के अंदर। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन में आपको कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन हो हमें 5 से 10 सेकंड के अंदर कर लेंगे, अगर प्री लेवल के क्वेश्चन होंगे तो, अगर वो मेन्स लेवल के क्वेश्चन हो 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर हम हर क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को फॉर्मेट समझो, मैं आपको बार बार एक बात बोलता हूं बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये हमें फॉर्मूला यूज ही नहीं करना, ये हमें फॉर्मूला यूज ही नहीं करना, देखो कैसे एक फॉर्मूला हमें यूज करना है। देखो मैं बता रखा है LCM is equal to 12 times of their HCF, ये एक फॉर्मूला होता है, साथ में आपको ये पता है जो यहां पे 12 दे रखा होता है ना, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं LCM is equal to HCF multiply AB, ठीक है ना। AB का मतलब यहां पे हमें दे रखा है AB है 12 और यहां पे AB होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोप्लाइन नंबर्स, अगर हम 12 के पेयर बनाऊं तो मुझे पता है 2 मल्टीप्लाई 6 आता है 12, मगर ये कोप्लाइन नंबर्स नहीं है, कैंसिल आउट कर दो। समझाने के लिए इतने बेसिक कंसेप्ट से मैं सिखा रहा हूं आपको, मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में करके भी दिखा सकता हूं, मगर मुझे समझाना आपका मेन पर्पज है इसलिए आपको स्लोली स्लोली समझा रहा हूं ताकि हर स्टूडेंट को समझ आए। देखो 12 की बात करूं तो मैं 3 मल्टीप्लाई 4 लिख सकता हूं, यही इकलौता ऑप्शन है जो कि कोप्लाइन नंबर्स का पेयर है, 3 मल्टीप्लाई 4 करके आ रहा है 12, तो यहां मुझे पता लग गया A का मतलब है 3 और B का मतलब है 4, आप इसको 3 और 4 ले सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और हमें एक नंबर दे रखा है
HCF कोई नंबर होगा दोनों का, पर अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको जितने भी कंसेप्ट इस वीडियो के अंदर मैं सिखाऊंगा ना वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो. तो मुझे पता लग गया 3 और 4 नंबर आ गए. वो 3 और 4 एक्चुअल में एक्चुअल नंबर नहीं है, उसके बीच में यहाँ पे कुछ HCF कॉमन है, इसके बीच में HCF यहाँ पे कुछ कॉमन है. तो मुझे एक बात पता लग रही है कि एक नंबर है जो कि है 93, वो नंबर ये नहीं हो सकता क्योंकि 3 के अंदर मैं ऐसा कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई कर सकता जो 93 आ जाए, क्योंकि 93 है 4 का मल्टीपल नहीं है. तो मुझे पता लग गया 3 को मैंने 93 बना रखा है, पहला नंबर 93 है और 3 के अंदर ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करो जो 93 आ जाए, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 31. तो वही इस नंबर में ही मल्टीप्लाई कर दो, 31 4 कितना हो गया, 31 4 हो गया 124. ये इस तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे. और इस तरीके से अगर आपको शॉर्ट ट्रिक समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, मुझे कमेंट करके बताना कि सर ये तरीका तो बहुत बढ़िया था हमारा, तो इस क्वेश्चन में 403 का यूज ही नहीं हुआ. यूज कैसे नहीं हुआ, आपको मैंने एक कंसेप्ट बताया था. कंसेप्ट ये कहता था LCM इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई AB. क्वेश्चन हमें दे रखा है LCM इज इक्वल 12 टाइम्स ऑफ देयर HCF. तो हमने ये समझ लिया ये 12 होता है, जो ये 12 है A और B कोपरेंट नंबर्स के पेयर होते हैं, तो मतलब मुझे पता लग गया 3 और 4 है, वो एक्चुअल में 3 और 4 नंबर नहीं है. इस नंबर के अंदर ये भी मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर के अंदर ये भी मल्टीप्लाई करना है, तभी हमने LCM लिया HCF मल्टीप्लाई AB की फॉर्म में. तो ये नंबर मुझे बनाना है 93, क्योंकि पता है मुझे ये नंबर 93 नहीं बन सकता. तो ये नंबर 93 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करूंगा क्या, 31. इस नंबर के अंदर भी वही नंबर मल्टीप्लाई कर देना, 31 4 आ गया 124, आंसर करेक्ट हो गया. अगर इस तरीके से वीडियो समझ आ रही है, क्वेश्चंस इस तरीके से अगर आपको करने समझ आ जाते हैं जिस तरीके से मैं कराता हूं, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना मुझे कि सर हमें ये तरीके समझ आ रहे हैं, और मैं ताकि और आगे आने वाली वीडियोस में भी इन कंसेप्ट का यूज कर पाऊं. अगर आप समझ पा रहे हो तो सेकंड क्वेश्चन देखो, LCM ऑफ टू नंबर्स इज 495. दो नंबर्स का LCM दे रखा है 495 एंड देयर HCF इज 5. दोनों नंबर का HCF है 5. सबसे बड़ा हिंट मिल गया ना आपको इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना. इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 100, हम तीनों टर्म्स जो यहाँ पे लिखी है ना, यहाँ पे तीनों टर्म्स LCM, HCF और सम, इन तीनों टर्म्स का मैं आपको बेसिक मतलब सिखा चुका हूँ. अगर हमें क्वेश्चन में HCF दे रखा हो तो हम सम को रिप्रेजेंट पता कैसे करेंगे, HA+B. अगर आपको ये रिप्रेजेंट करने वाला तरीका नहीं आता, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मेरी पिछली वीडियो को देख लो, अच्छे समझ आ जाएगा ये जो मैंने कंसेप्ट लिखा है, ये जो मैंने फॉर्मेट लिखा है, फॉर्मेट कैसे लिखते हैं. LCM का फॉर्मेट पता है क्या होता है, HAB और 495, ठीक है. H का मतलब होता है HCF, जो कि हमें दे रखा है यहाँ 5, इसमें भी दे रखा है हमें 5, 5 को काट दो इससे 20, A+B कितना आ गया 20, और साथ में यहां से 5 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 99. मुझे ये पता लग गया A मल्टीप्लाई B कितना आ गया 99. और आपको ये भी मैंने बात बताई थी, और A और B जो यहां पे हैं वो दोनों के दोनों नंबर कोप्राइम नंबर आएंगे. कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता. मुझे पता है 9 मल्टीप्लाई 11 होता है 99, और 9 प्लस 11 कर दूंगा तो आ जाएगा 20. कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं ना, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है. देखो 9 प्लस 11 20, 9 मल्टीप्लाई 11 99, तो वो नंबर A और B कौन से नंबर हो गए, 9 और 11 हो गए. तो मुझे एक बात ये भी पता है कि HCF जब 5 दे रखा है, मतलब कि इन दोनों में से 5 कॉमन निकाल रखा था, हम दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे. 9 5 जो होता है 45, 5 11 जो होता है 55. देखो दोनों का सम 100 आ गया, 45 प्लस 55 100 आ गया. हमें क्वेश्चन ने पूछा है, क्वेश्चन के अंदर पूछा देन देयर डिफरेंस इज, डिफरेंस कितना होगा, 55 में से 45 गया 10 आ गया. इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, और आपको ये फॉर्मेट समझ आएंगे तभी इन क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाओगे, और इजीली तभी कर पाओगे जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा. तो इन सभी क्वेश्चन से करने से पहले जो मैंने बेसिक कंसेप्ट सिखाया हुआ है, पूरी सीरीज बना रहा हूं यार LCM HCF की, पूरी सीरीज समझ लो तभी ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे आपसे, ठीक है. तो क्वेश्चन देखो, LCM एंड HCF of two numbers is, HCF दे रखा है दो नंबर का 7, LCM दे रखा है 140, ठीक है. If the numbers are between, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, अगर दोनों के दो नंबर 20 और 45 के बीच में है, then the sum of the numbers is, दोनों numbers का sum पूछा है, तो option में दे रखा है 70, 77, 63, 56. इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये,
इसके बाद मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा इसी कंसेप्ट के बेस पर, क्योंकि मैं आपको सभी क्वेश्चंस का बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं और साथ में शॉर्ट ट्रिक भी सिखा रहा हूं, तभी इस वीडियो को लंबा नहीं करते हुए अगले दूसरे पार्ट बना लूंगा, ताकि आप यही कंसेप्ट सारा का सारा अगली वीडियो में भी देख पाऊं। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है HCF साथ दे रखा था, मतलब मुझे पता लग गया LCM का फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा, HAB वाला इज इक्वल टू 140, H क्या है HCF मतलब कि 7, काटो कितना आ गया 20, तो ओए ए बी इज इक्वल टू 20 आ गया, और आपको ये पता है ए और बी दोनों कोप्लेन नंबर्स हैं, तो मतलब 5 और 4 हो गए, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना आपके पास, 5 और 4 के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 10 भी आता है 20, मगर दोनों ये कोप्लेन नंबर्स नहीं है, तो मतलब मुझे सामने एक ही ऑप्शन बचा है 5 और 4 का, HCF दे रखा है 7, तो इसके अंदर से मैंने 7 भी कॉमन निकाल रखा था, इसके अंदर भी 7 कॉमन निकाल रखा था, मल्टीप्लाई कर दो ना, 7 5 35, 7 4 28, वो दोनों दो नंबर देखो इन दोनों नंबर के बीच में लाए कर रहे हैं 28 भी और 35 भी, अगर दोनों नंबर्स का सम पूछा है तो 63 इज द ऑप्शन among all four these numbers, समझ आ गया आपको, इसी सीरीज दोनों नंबर्स का हमें पूछा सम, इसका सम कितना आ गया 63, अगर आपको ये कांसेप्ट समझ आ रहे हैं ना तो तभी वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट करके बता दो कि सर जो आप कांसेप्ट सिखा रहे हैं हमने आपकी पिछली वीडियो देख ली थी तभी हमने सारे के सारे कांसेप्ट समझ में आ रहे हैं। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, तो सेकंड पार्ट होगा वो बिल्कुल इसी के बेस पर होगा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ भी आई तो इस वीडियो को आप उन स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करें जो स्टूडेंट्स एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि एक भी स्टूडेंट ऐसा ना रह जाए जो सिर्फ पैसे की वजह से पढ़ नहीं पा रहा। थैंक यू सो मच।